धमकियां, इतनी धमकियां इकरा के फैन, मैं आपको ये कर दूंगा, मैं आपको वो कर दूंगा, अभी जय इकरा को लेके आई। एक सरप्राइज प्लान किया हुआ था मैंने इकरा के लिए, मैं इसलिए नहीं लेके आया। ये देखिए सेटअप लगना शुरू हो गया, अभी जाना है आप लोगों ने इसको लेके आना। आपको बताना नहीं है कि मैंने भेजा, ठीक है? उन्होंने कहना की आजेगी, मेरे साथ आजेगी। इकरा आ गई है, ठीक है, लाइटें वगैरह बंद है, ये चीजें हमारा सेटअप है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। बहुत देर बाद आपको वेलकम करता हूं अपने व्लॉग में, बहुत देर बाद व्लॉग बना रहा हूं क्योंकि यार बीच में इतना बिजी होता हूं, आपको पता है मैं हर बार यही लाइन रटी लटाई लाइन बोलता हूं कि बहुत बिजी होता हूं, टाइम नहीं निकलता। असल बात यह, थोड़ा सा लेजी भी होता हूं, दिल नहीं चाहता यार, समझ नहीं आता क्या करूं क्या ना करूं, ऊपर से इतना तंग करती रहती है। और आपको पता ही है फिर आजकल गई हुई है मामा की तरफ, मैंने कहा आज फ्री हूं तो व्लॉग बना लेते हैं। लेकिन भाई इतनी धमकियां इकरा के फैंस, इकरा की फैमिली, ओए होए 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 यार, मुझे एक बात बताओ क्या हो गया ऐसा कि इतनी धमकियां आ रही है मुझे? मेरा डीएम सिर्फ धमकियों से भरा हुआ है, आप यकीन मानो। फैंस मैसेज कर रहे हैं आपने गलत किया है, आपने बिल्कुल गलत किया इकरा के साथ, वो आपके लिए इतना कुछ करती है, आपने उसको मनाया नहीं है, वो घर चली गई और आप उसको लेने नहीं गए। ऊपर से मैं देख रहा हूँ मैसेज, मैं कह रहा हूँ यार ये क्या हो रहा है, इतने मैसेज को मैं यकीन मानो मैं गिनने बैठूं 15-20 हजार मैसेज आ गए मुझे डीएम आ गए इसके बाद, ठीक है। उसके बाद मैंने नहीं गया उसको लेने क्योंकि मैं दोस्तों के साथ निकल गया कहीं पर खाने पीने, मेरे से हो गई गलती, मैंने इंस्टाग्राम पर लगा दी एक खाने की पिक्चर, ओए होए होए तौबा। उसके बाद तो भाई मुझे धमकी आ रही है कि मैं आपको ये कर दूंगा, मैं आपको वो कर दूंगा, अभी जय इकरा को लेके आए, ये कोई मजाक हो रहा है, वो ये उतना वो सैड है, वो ये है वो है। मुझे एक बात बताए, वो लड़के गई है बेफजूल बात पे, ऊपर से मैं भाई और भाभी भी जाके उसको मिलके आ गए, मैं तो अकेला था, मैंने तो कुछ खाने जाया था, तो मैंने गलती से स्टोरी लगा दी, लोग मेरे ऐसे खिलाफ, पता नहीं क्या हो गया, मैंने क्या गुनाह कर लिया, मैं खाना खाने को चला गया दोस्तों के साथ। भाईजान सीन ये है कि पहले तो बताते हैं भाई और भाभी से पूछ के आते हैं कि क्या पट्टी पर आके आया उसको, वो घर क्यों नहीं लेके आया इसको, उतरने का स्टाइल भी खराब वाला करेंगे आज तो। जहाँ भी ये मिट्टू सो रहा है, गाड़ी चला के आया मेरे साथ, इतनी इसने गाड़ी चलाई है, आज के बाद आके सो गया। भाभी आप लोग का लिख रहा है की तरफ गए थे, उसको लेके क्यों नहीं आए? उन्होंने कहा था आपका बंदा खुद लेने आए। यार ये तो गलत बात है यार, आप लोग लेके क्यों नहीं आए? ऊपर से आपको पता है मेरे साथ क्या हुआ? मेरा इंस्टाग्राम भाभी सिर्फ और सिर्फ धमकियों से भरा पड़ा है, मुझे इकरा के फैंस, एस्ट्रोलॉजी फैंस धमकियां दे रहे हैं, अगर आप इकरा को लेके ना आए मैं हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, आपको शर्म नहीं आती? आप मैं एक दोस्तों के साथ चला गया खाना खाने, मैंने एक लगा दी उसकी स्टोरी, वो लोग तो मेरे पीछे ऐसे पड़ गए हैं, खाना खा रहे हैं वहाँ, मैं गुनाह कर दिया भाई, खाना तो खाना ना यार, भूख लगी हुई थी, लेकिन इतनी धमकियां आप सोच नहीं सकते। मिट्टू मुझे बचा ले यार, ये लोग मुझे मार देंगे यार, मिट्टू मुझे बचा ले, चाची को मिस कर रहा है ये भी। मैं भाभी क्यों नहीं लेके आया, एक वजह थी उसके पीछे, एक सरप्राइज प्लान किया हुआ था मैंने इकरा के लिए, मैं इसलिए नहीं लेके आया, कल वो सरप्राइज प्लान हो नहीं सका, जिसकी वजह से मैंने कहा मैं आज ले आऊंगा, लेकिन तौबा जो धमकियां मुझे मिली है, ओए हो हो, अब तो लाना बनता है, लेके नहीं आऊंगा तो इन लोगों ने नहीं छोड़ना मुझे, मेरा मायका तो सीखिए है, आधा मायका तो मेरा यहाँ बैठा हुआ है। चले आप रेस्ट वगैरह करें, मैं आपको भी सरप्राइज दिखाऊंगा क्या है, अभी वो लोग आ रहे हैं डेकोर वाले, जो सरप्राइज वगैरह आता है रेडी होता है फिर आपको बताऊंगा, ठीक है। A few moments later. चले जी गाइस, फाइनली मेरी बहनें आ गई जिन्होंने डेकोर करना है, क्या हाल चाल है आप सबका? ठीक है, मेरी बेगम नाराज है, उसको मैंने सरप्राइज देना है, आपने अच्छा अच्छा डेकोर करना है, ठीक है, लास्ट टाइम वाला नहीं होना चाहिए कि वो वहाँ आ गई तो फिर क्या करेंगे? नहीं, लास्ट टाइम तो अल्लाह की तरफ से हुआ, इस बार ही हमारी तरफ से ना हो जाए। नहीं, इस बार वेदर अच्छा। चले जी, उन्होंने कह दिया कि आपको बहुत अच्छी डेकोर मिलेगा, तो देखते क्या सीन, अभी वो जा रही है छत पे हमने करना है सारा रिकॉर्ड बनाना है, हमने सारी जो सरप्राइज है ना आप लोगों को भी बाहर में दिखाऊंगा, हल्का बीच में थोड़ी सी झलक दिखा दूंगा, तब तक ऊपर चलते हैं जाके इनकी हेल्प करते हैं और देखते क्या सीन है। ये देखिए सेटअप लगना शुरू हो गया, फाइनल सेटअप जो है ना मैं आपको एंड पे दिखाऊंगा, अभी नहीं दिखा रहे हम, ठीक है, ये भी आपके लिए भी सरप्राइज है, एक सरप्राइज होगा, ठीक है, ऐसी रेडी होता है फिर आके बताते हैं। सारा डेकोर रेडी हो रहा है, बस जाते हैं, तैयार होते हैं, तैयार होके भाई और भाभी को भेजेंगे किरा को लेके आए, क्योंकि मैं नहीं जाऊंगा, अब सरप्राइज देना तो प्रॉपर सरप्राइज देंगे ना इसको, प्लस को जाके तैयार होते हैं, जल्दी से आते हैं फिर आपको देखते क्या सीन है। मैं हो गया हूँ रेडी, बिल्कुल फिट फाट किस्म का, अभी जाना खाना लेके आना है, ऊपर हमने सारा सेटअप तो कर लिया लेकिन खाना खिलाना क्या उसको, वो कहेगी सेटअप करने के बाद भी कुछ खाने को नहीं मिला, अभी जाएंगे उसके लिए खाना लेके आएंगे, प्यार सा केक लेके आएंगे, ठीक है, अभी चलते नीचे भाई और भाभी को भेजते हैं कि आप जाएं लेके आए, क्योंकि अगर मैं जाऊंगा ना फिर वो चीज का मजा नहीं आएगा, भाई और भाभी जाएंगे वो गुस्सा करेगी, फिर नहीं लेने आया ना मैं, याद रखूंगी, देखना इसने क्या किया, भाई भाभी जिद करेगी लेकिन आ जाएगी, मुझे पता भाई और भाभी की बात नहीं टालेगी, अभी चलते हैं, भाई और भाभी को कहते हैं कि आप लोग जाए उसको लेके, तब तक मैं केक और उस खाने का इंतजाम करता हूँ। सलाम वालेकुम, सुबह हो गई भाई आपकी, हम जब भी आते हैं आप सो रहे होते हैं, आप काम गए। काम मेरा पूरा हो गया भाभी, अच्छा। क्यों बताया आपको काम, भाभी और मेरा सरप्राइज है,
तुम लोग तो कल चले गए थे ना आप लोग हैं मिलने एक से। मुझे तो हमेशा मेरे दिल में है, दिल में जब जो चीज उसकी याद की जरूरत नहीं होती, ठीक है ना भाई, तेरे दिल में वैसे बड़े लोग। अब भाई नहीं भाई, एक ही दिल है इकड़ा, तेरी बड़ी है उस दिल में, इतने दिल में पूरी आई हुई है। ऑलरेडी बहुत रश है मेरे दिल में, ये है मेरा बेटा, बालों वाला बेटा नजर नहीं आ रहा, और इकड़ा है बस, ठीक है, और जोहाना भी है, और रिजान भी है, रियान भी है, बाकी बच्चे भी हैं, ठीक है। अभी जाना है आप लोगों ने इसको लेके आना, मैं नहीं जा रहा लेने इसको। हम भी जाएं भाई, हम भी जाएं। ये मेरे भाई ने शर्ट नहीं पहनी हुई, मैं इसको तरफ कैमरा करने लगा हूँ। बनियान में 24 घंटे बनियान में फिसला रहता है, ये देखे बेशरम। क्या कह रहे थे आप? हम भी जाएं भाई, जाओ लेके आओ उसको। क्यों लेके रहे हैं? मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि भाई मैंने नहीं जाना, आप जाओगे भाई। हमने भी जाना, चाची को लेने जाना है, कह रहा हाँ लेके जाना है, लेके जाना है। अभी जाओ आप, और आप तीनों जाओ, आप लेके आओ उसको। मेरी गाड़ी में ना पेट्रोल नहीं है, मेरी गाड़ी ले जाओ, कोई मसला नहीं है। हाँ मेरा भाई, बड़े भाई सारे ऐसे होते हैं पापा। अच्छा आपकी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, जिसकी गाड़ी ली है उसमें चले जाओ, ठीक है, उसमें पेट्रोल की जरूरत नहीं है, बैटरी से चलती है। भाई मेरी बात सुनो, तंग ना करो, अभी जाओ उसके लिए, उसको लेके आओ, ठीक है। तब तक मैं बाकी चीजों का इंतजाम कर रहा हूँ। तो बताना नहीं कि मैंने भेजा है, ठीक है। उन्होंने कहना कि मजे की मरसा आ जाएगी, तो जब भाई बड़ा भाई कहेगा तो जाहिर सी बात आएगी। उन्होंने कहना है मैं आपको कह रहा हूँ ना, आप चलो, कोई कुछ नहीं होता, अच्छा उसको लेके आना है, उसको लेके आ, फिर उसको सरप्राइज देंगे, सरप्राइज देंगे, फिर आप लोगों ने पीछे से आना, ठीक है, डन है। वो कहना तुमने सरप्राइज क्या है, वो सरप्राइज जब ऊपर जाएंगे तो भाई चलेगा ना, आप सबके लिए भी सरप्राइज है, भाभी के लिए भी सरप्राइज है। तुमने कहना कि ऊपर छत पे है, तो जाओ उसे जाके सुलह करो, ठीक है। वो कहेगी छत पे क्यों है, कहना पता नहीं नारा केला के बता, क्या छलांग लगाने लगा, छलांग लगाएगा, जाओ सुलह करो। जब गा रहा जाएगी तो फिर ये बातें करनी है, उससे पहले सीरियस। अच्छा दोनों को कहना कि लंडा नहीं है, कुछ नहीं था, छोड़ दो बात, इस तरह की बात समझाना। हाँ इस तरह का समझाना, ठीक है। चलिए जी गाइस, भाई और भाभी को मैं सारा समझा दिया, अभी चलते हैं जाके, मैं अभी चीजें अरेंज करता हूँ, और भाई और भाभी जाएंगे, और जुहान जाएगा लेके आएगा उनको, ठीक है, चाची को लेके आएगा। A few moments later, भाई और भाभी जो एकड़ा को लेने के लिए निकल गए, मैं भी चलता हूँ जाके चीजें लेके आता हूँ, केक लेके आना, कुछ खाने को लेके आना है। मैंने कहना डिनर प्लान कर लिया तो खाने कुछ है ही नहीं, केक मैंने ले लिया है। ये देखे जी केक हमारा आ गया, भाई ने बताया कि वो एकड़ा को पिक कर रहे हैं, बस मैं जल्दी से खा लेना है, खाने को समझ लेना है क्या लूँ, जल्दी से कोई क्विक कोई चीज़ लेते हैं, फिर पहुँचते करना है। घर पहुँच गए, भाई वगैरह अभी तक नहीं आए, कुछ इतना ढूंढा खाने को, इतना खाने को ढूंढा, कुछ अच्छा मिला ही नहीं, तो एंड में शोर में रैप लेके आया हूँ, अब यही देंगे खाने में, और उसको समझ नहीं आ रहा था, इस पर मजाक ना बने, अब चलो लेट्स गो, देखते क्या सीन है, ऊपर जाकर चीज़ सेट करते हैं, चीज़ें लेके जाते हैं, लेट्स गो। चलिए जी गाइस, सामान हम सब कुछ ले आए, तो ठीक है, अब इसको जाके इसको ऊपर सेट करना है, ऊपर लगाना है, क्योंकि भाई कह रहा है ऊपर 5 मिनट पहुँच रहा है, एक रात से आने से पहले पहले हमने सारा सामान सेट करना है, प्लेटों में डाल के वहाँ पे रखते हैं, और फिर देखते हैं उनका इंतजार करते आने का, लेट्स गो। A few moments later. तो गाइस फाइनली इकड़ा आ गई है, ठीक है, लाइटें वगैरह बंद है, मैंने खाना वगैरह सारा सेटअप कर दिया होगा, ये चीज़ें हमारा सेटअप है, अभी लाइटें ऑन होगी, जब इकड़ा आएगी तब लाइटें ऑन करेंगे, उसका रिएक्शन नोट करेंगे, ठीक है, देखते क्या सीन है। इकड़ा मैडम आ गई है, लड़ लड़के जीना हराम किया हुआ था मेरा, जिसके लिए इतनी एफर्ट की, फिर सुबह ये देखो, और ये देखो बुकर मेरा भाई आते साथ ही कैंडल लाइट डिनर पे खुद खाने लग गया, वो केक वो खराब करने जा रहा है। हाँ जी, ये कैसा लगा फिर सरप्राइज आपको मैडम? अरे मुझे इतना अच्छा लगा, मेरा दिल चाहता मैं 2 दिन बाद फिर नाराज हो जाऊं, फिर मुझे ऐसे मनाया जाए। बस ये एफर्ट हो गई है, बस थैंक यू सो, कोई मसला नहीं, ऐ भी लड़ती रहती, मैं लड़ी जा रही। एक मिनट रुको, एक और सरप्राइज है, ये मेरी भी गलती है, मुझे मैं पता है तुम्हारी इस एस्ट्रोलॉजी आर्मी ने ऐसी ऐसी धमकियां लगाई है मुझे, हम आपको उड़ा देंगे, बम उठ से उड़ा देंगे, हम ये कर देंगे अगर आप लेके ना आए, आप खाना खाने जा रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, ऐसी ऐसी धमकियां तुम्हारी सोच है। वो स्टोरी से जितना मेरी हर्ट हुई थी ना, उसके बाद मुझे पजामा पार्टी करना पड़ी, मुझे खुद पजामा पार्टियां, मैं अकेले बैठूंगी ना तो मैं रो पड़ूंगी, मेरी आंखें देखे स्वेल हुई हुई हैं। लड़कों को एहसास नहीं होता, लेकिन लड़की क्या, लड़कों को एहसास नहीं होता, ये देखे जरा यार, मेरा लड़का स्पेशल है, साथ ही स्पेशल है, कल तक अनस्पेशल था, चलो जल्दी जाएगा, तैयार हो जाती है कपल, डजंट मीन फिर भाई भाभी, चलो जल्दी जाए, तैयार हो क्या है, फिर भाई भाभी केक कट करेंगे, और लड़ाइयाँ छोटी मोटी होती रहती हैं यार, तो ये छोटी छोटी एफर्ट अच्छी लगती हैं अपनी वाइफ के लिए, लेट्स गो, जाओ जल्दी तैयार हो क्या। ओके गाइस, इकड़ा नीचे चली गई है कपड़े चेंज करने के लिए, सेटअप तो मैंने इसके लिए किया था, ये मेरी दूसरी बेकअप है, मेरा भाई है ना, सेटअप तो उसके लिए किया था भाभी, है ना, चल के आया हूँ, थक गया हूँ,
चलो खाओ खाओ। ये देखें जी फाइनली इकरा मैडम घंटा लगा के चेंज करके आ गई हैं। तैयार हो क्या आई हूँ? सिर्फ चेंज नहीं करके आई, यू कैन सी माय मेकअप एंड मेरी खुशी, मेरी स्माइल सबसे इम्पोर्टेंट। अब लग रहा ना कि ये सेटअप इकरा के लिए हुआ हुआ है भाई, चांद के तले चांद। वाह वाह वाह, चांद के तले, ये देखें प्यारा सेटअप। और ये से मालदीव याद आ गया, तब ऐसा सेटअप बीच पे था लेकिन हवा भी आज बहुत प्यारी चल रही है। उस दिन भी मैंने यही शर्ट पहनी हुई थी, मुझे ये भी याद है। और मैंने रेड कलर का साथ ड्रेस पहना हुआ था, मुझे भी याद। और हवा के लिए देखो हमने नीचे एसी ऑन करवाया, तो यहाँ से हमें हवा ही जा रही है। अच्छा हवा इस चीज की आ रही है। अरे वैसे भी हवा चल रही है बाहर, मौसम अच्छा। चले जी हम खाना शाना खाते हैं, इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा, जो कि मैंने बड़े देवभाव बनाया और बहुत ही स्पेशल व्लॉग बनाया अपनी बेगम के लिए, स्पेशल बेगम के लिए। स्पेशल बेगम क्या, एक ही बेगम है भाई, क्या बातें कर रहे हो। स्पेशल है। उम्मीद करता हूँ आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में, इंशाल्लाह जल्दी व्लॉग बनाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बाबा टेक केयर, अल्लाह हाफिज। और जाते देखते जाए।